आप भी उन्हीं में से हैं कि सर्दियों में आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता हेयर पैक लगाने का, ऑयल लगाने का, हेयर वॉश करने का? अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो आप आज का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट लाई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को लंबा, काला, घना और मजबूत बना सकती हैं, वो भी बिना कुछ करे। जी हाँ फ्रेंड्स, बिना कुछ करे। अगर आपको लंबे बाल भी चाहिए, डैंड्रफ भी नहीं चाहिए, तो आज का जो ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ आप इसको ज़रूर फॉलो करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो आपके जो आगे की हेयरलाइन है, बाल गायब हो चुके हैं तो वहाँ पर आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। और हेयर फॉल की समस्या है, बाल बहुत ज़्यादा निकलना है और आप कुछ नहीं लगा पा रही हैं, तो आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। इससे बालों का झड़ना भी बंद होगा, साथ ही साथ अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं आ समय उम्र से पहले तो वो भी ख़त्म होंगे, और साथ ही साथ दो मुँहे बालों की समस्या है तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, ठंड में हमारा हेयर वॉश करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि ठंडी इतनी होती है तो ना हेयर पैक लगा पाते हैं और ना ही ठीक से ऑयल लगा पाते हैं। लेकिन मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपके बाल दिन पर दिन लंबे होंगे, काले होंगे, घने होंगे, मजबूत होंगे, साथ ही साथ बढ़ेंगे तो इतने कि आप हैरान हो जाओगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक चाहिए ऑनियन, और ऑनियन के तो बहुत सारे बेनिफिट हैं अगर हम अपने बालों में लगाते हैं। हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो प्याज का रस लगा लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्याज ले रही हूँ क्योंकि इसके कई सारे बेनिफिट हैं। तो आप इसका छिलका उतार लीजिए, अच्छे से छील लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए अदरक, अदरक भी बहुत फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए। अगर गंजेपन की शिकायत है तो ये उसको दूर करता है, साथ ही साथ बाल आपके सफ़ेद हो रहे होते हैं उम्र से पहले तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को छील लीजिए और उसके बाद कद्दूकस कर लीजिए। अगर आपका कद्दूकस करने का मन नहीं है तो आप इसको मिक्सी जार में ग्राइंड भी कर सकते हैं, पीस सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर फ़िलहाल कद्दूकस ही कर रही हूँ, प्याज मैंने कद्दूकस कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर जिंजर को कस रही हूँ। आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे या तो पीस सकते हैं या फिर आप कद्दूकस कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो काम कर सकते हैं। कसने के बाद अब आपको इसका जो है रस निकालना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कटोरी की, छन्नी की, चम्मच की, और इस छन्नी की मदद से ही आपको ये जो है रस को निकालना है। आप चाहे तो छन्नी की जगह आप कोई मखमल कपड़ा ले सकते हैं जिसमें आप ये मटेरियल डाल के, इंग्रेडिएंट डाल के उसको निचोड़ सकते हैं। तो मुझे छन्नी का ज़्यादा बेस्ट लगा, तो फिर मैं यहाँ पर छन्नी से ही छान रही हूँ। तो इस तरीके से आप प्याज का और अदरक का रस निकाल लीजिए, ज़रूरी नहीं है आप मिक्स करके निकालें, अलग अलग भी निकाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो ये प्याज का और अदरक का रस हमें मिल चुका है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शैम्पू, क्योंकि हमें हेयर वॉश करना है और अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाना है, डैंड्रफ नहीं होने देना है सर्दियों में। तो आप शैम्पू कोई सा भी ले सकते हैं जो आप इस टाइम यूज़ कर रहे हैं, और आप जितना यूज़ करते हैं तो आप उतनी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच शैम्पू ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और रेमेडी को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, यानी कि अपने बालों को मुलायम बनाने के लिए, इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे। आप गैस करिए वो क्या हो सकता है, नहीं गैस कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, वो है एलोवेरा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, बालों में बिल्कुल भी जान नहीं है, बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है, तो आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लम का यूज़ कर रही हूँ, 2 पंप लिया है मैंने। अगर आपके पास प्लांट लगा हुआ है, फ्रेश वाला है, तो आप उसका भी पल्प निकाल सकते हैं। उसके बाद ये अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी पानी, क्योंकि शैम्पू को कभी भी डायरेक्ट स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे बालों को नुकसान पहुँचाता है। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और वैसे ही शैम्पू लगाना है जैसे कि आप हेयर वॉश करते हैं। आप जितनी बार भी यूज़ करें शैम्पू को, तो आप इस तरीके से यूज़ करें, स्टोर भी करके रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब भी हेयर वॉश करें तो आप ताज़ी ये रेमेडी बनाएं और तभी अपने बालों पे लगाएं, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आप जितनी बार हेयर वॉश कर रही हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं, और ये इतना अच्छा फार्मूला है, अच्छा ट्रीटमेंट है सर्दियों के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि सर्दियों में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं लगा सकते, ठंड लगने का डर रहता है, तो हेयर तो वॉश करना ही करना है। तो आप इस तरीके से अपने बालों को
की देखभाल कर सकते हैं, अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से बालों को खूबसूरत बनाइए, इस ट्रीटमेंट को ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो और थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।